अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप इस वीडियो में देखेंगे कि आप मोबाइल से किस तरह अपना कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। देखें, कोर्स सिलेक्शन ओपन हो चुकी है। आपने अपना लॉगिन LMS कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर आपको यहाँ पे तीन जो लाइंस मिली हैं उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कोर्स सिलेक्शन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ इस तरह के ऑप्शन नज़र आएंगे, जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, ये देखें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, सारे फेल वाले, जो आपके BCD ग्रेड वाले और जो पेंडिंग है, वो सारे आपको यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने डेस्कटॉप मोड पे आ जाना है ताकि आपको कंप्यूटर की तरह यहाँ पे मोबाइल पे भी नज़र आए, तो ठीक है। फिर आपने क्या करना है, कोर्स सिलेक्शन पर क्लिक कर लेना है। जो ही कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का मज़ीद इंटरफेस आ जाएगा, जैसे पहले आ रहा था। यहाँ पे देखें तो आपके पास बेसिक ऊपर आपने जो मेन इंफॉर्मेशन है वो रीड करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ रहे टोटल 3 टाइप्स के कोर्सेज आ रहे होंगे, फेल कोर्स, न्यू कोर्स, इम्प्रूव कोर्स, और आपको टॉप पर भी कुछ चीज़ें नज़र आएँगी जिनमें आपको क्रेडिट लिमिट, सेमिस्टर कौन सा है, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जो ऊपर हिदायत दी गई हैं वो आपने रीड आउट कर लेनी है। मतलब आप कितने सब्जेक्ट उठा सकते हैं, आपका सेमिस्टर नंबर कौन सा है, ये सब कुछ आपने देख लेना है, ठीक है। अभी मैं आपको इनकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने कोर्स उठा सकते हैं और कैसे सिलेक्शन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास जो ऊपर आ रहा है उसमें हमारे पास क्रेडिट अर्नड, मतलब हमने पहले कितने क्रेडिट्स पास कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास आएगा जो हमने पहले पढ़ लिए हैं वो देखें 51 है, ठीक है। और करंट सेमिस्टर नंबर हमारा जो है वो 4 है। और क्रेडिट्स एग्जेम्प्टेड जो हमें मतलब BA BSc के मतलब माफ़ होते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, 58 है। मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट कितने आप अभी उठा सकते हैं, 21 है। मतलब अभी हम 7 सब्जेक्ट 3 क्रेडिट आवर के उठा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अगर फेलियर के कोई कोर्स हैं तो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने न्यू कोर्सेज पे जाना है, वहाँ पे न्यू कोर्सेज सिलेक्शन करनी है और देख लेना करंट सेमिस्टर के लिहाज से सेमिस्टर नंबर पहला जो आ रहा है, मतलब दूसरे के आ रहे हैं वो पहले, तीसरे के बाद में, फिर चौथे के बाद में, ठीक है। इस तरह आप सिलेक्शन करेंगे तो आपके जो पिछले मतलब सेमिस्टर होंगे वो आपके आसानी से पास होते जाएंगे। सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है, सेव सिलेक्शन पे क्लिक करना है। जो इन सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे सेव पे तो आपके पास इस तरह के 3 इंटरफेस आएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोड सिलेक्टेड कोर्स, मतलब आप उसको लोड कर देंगे, क्लिक हेयर पे करेंगे तो आपके जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट होंगे वो आपके पास लोड होके सामने आ जाएंगे। ये देखें मैंने जो अभी सिलेक्ट किए थे वो मेरे पास सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। मतलब लोड का ये मतलब था जो आपके सिलेक्टेड कोर्सेज हैं वो आपके सामने लोड होके आ जाएंगे, ठीक है, पुराने वाले चले जाएंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारा अपडेट कोर्स सिलेक्शन। अपडेट का मतलब अगर हम चेंज करना चाहते हैं कोई कोर्स तो फिर दोबारा हमें उसी इंटरफेस पे ले जाएगा, हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 3rd पे, सेव करेंगे तो फिर आपके पास नंबर 3rd पे आता है कैलकुलेट CGPA, ठीक है। इस तरह कुछ ऑप्शन है, प्रोजेक्टेड CGPA कैलकुलेटर, आप इसके हेयर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पुराने मतलब CGPA आ रहा है उसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। आप प्रोजेक्टेड मतलब आसानी से गैस लगा सकते हैं हमारा अभी CGPA कितना बनने वाला है। तो ये था हमारा तमाम मेथड ऑफ कोर्स सिलेक्शन। अगर आपको कोई भी चीज़ मुश्किल है, कोई भी अगर समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।